सो टाइम हो रहा है 5:52 और अभी का मंदिर का व्यू है कुछ ऐसा। माता रानी के दर्शन करके आगे आपको बता दिया, ठीक है। अभी भैरव मंदिर की तरफ हमने प्रस्थान कर दिया है, चले हैं, और सामने के पहाड़ जो है वो भी सामने आ गए हैं, ठीक है। सो चढ़ाई कर दी है शुरू। सो भैरव घाटी मंदिर जो है वो यहाँ से है 2 किलोमीटर, तो चलते हैं। भाई लोग निकल नहीं रहे, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कितनी देर इनका फ़ोटो शूट चलेगा, उसके बाद हम डायरेक्ट निकल जाएंगे मंदिर के लिए। तो अभी आगे थोड़ा सा और ऊपर, और कुछ ऐसा व्यू है इधर से। ये धुंध कभी आ रही है जा रही है, अभी फिर से देखो ऊपर की तरफ जा रही है, दिख रही होगी आपको। तो ये रहा भवन, ठीक है, माता रानी का भवन, ये रहा। भैरव मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और अभी आपको जो ये कल का स्नोफॉल हुआ था वो दिखाई दे रहा है, सब बर्फ़ पड़ी हुई है, ठीक है। अभी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। तो ये शाम का वक्त है और हम भवन से लौट आए हैं अभी, और अब भैरव की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप बर्फ़ देख पा रहे हो, वाइट कलर की दिख रही होगी आपको, पर ज़्यादा की देखना, ज़्यादा दूर की देखना, नज़दीक ही पड़ी है, जैसे कि आप देख सकते देखो, हो सड़क पे पूरा जो है ना, हाँ मतलब पैर फिसल रहा है, फिसल रहा, और ठंड तो काफ़ी है। ये देखो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है। ये बंदा कुछ शन और शन नहीं रह रहा है, शन 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 नशा किया है क्या आपने? नहीं भाई, नहीं करते हो? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इस टाइम पोजीशन पे है। रोल बहुत खाते हो आप, वाइट रोल खाते हो? नहीं, मुस्करा दो एक बार। और ये वादियों का मज़ा है, और रास्ते का काम भी चला है साथ साथ में। तो आगे मिलते हैं आपको भैरव मंदिर के पास। सो भैरव मंदिर रह गए इधर से 1/2 किलोमीटर, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो गई है, और बर्फ़ के नज़ारे, बर्फ ही बर्फ, बर्फबारी होने वाली थोड़ी देर में, बस इंतज़ार है हमें, थोड़ी देर में हो जाएगी, लेकिन हालत ख़राब है अभी, हालत ख़राब है। चलो चलते हैं, चलते हैं। सुबह ही अभी हमें ढूंढा जा रहा है इन दो के द्वारा, ये अभी हमें ढूंढ रहे हैं, हम टॉयलेट में थे लेकिन अभी गए हैं अंदर को, बार बार अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और हम इनसे आगे आ गए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। तो अभी भी हमारा इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं, देखते हैं। देखो हो रहे, पहचान लिया इन्होंने हमें, अभी आएंगे इधर से। सो भी भाई बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से थक चुके हैं, ठीक है, मैं ही नहीं मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे मंदिर गए थे पहले, मंदिर के बाद बिल्कुल मंदिर की जो चढ़ाई है चाहे ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी स्टीप नहीं है जितना यहाँ पे ज़्यादा स्टीप है। तो बंदे बिल्कुल सब के सब थक गए हैं, देख ही रहे होंगे कैमरे से कैसे आ रहा है फोग, कैसे है इधर। तो अभी चलते हैं, भाई लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, हैं निकलते हैं जल्दी, यहाँ रहा बस ऊपर मंदिर, अब तो ज़्यादा दूर नहीं है, निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली ये व्यू देख के आप पहचान ही गए होंगे कि हम भैरव मंदिर पहुँच गए हैं, प्रॉपर भैरव मंदिर पहुँच गए हैं, और यहाँ पे ये माता जी के दर्शन बड़ी स्क्रीन पे, अभी जहाँ पे आरती चल रही है तो वो सब अभी बता रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ के दर्शन जो है वो हमने आज पास से किए, तो बहुत अच्छा लगा, सेम ऐसे ही था बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ रहे हमारे भाई लोग, भाई लोग हैं आगे की तरफ, वह भी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे होंगे, चलते हैं। एक तो मेरे भाई लोग थक ज़्यादा गए हैं, एक्चुअली अभी थोड़ा इग्नोर करें, धुंध काफ़ी हो गई है, ठीक है। बोल सांचे दरबार की जय। और भाई लोग भी इधर आ गए हैं, सभी मतलब थक चुके हैं, ठीक है, और यहाँ से आरती का आनंद ले रहे हैं। अभी आपको आरती का कैसे दिखाएं, क्योंकि धुंध काफ़ी है, तो स्क्रीन भी यहाँ से जो है वो ब्लर दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी आप लोगों को देख ही सकते हैं कैसे यहाँ पे कलरफुल हो गया है, जो स्क्रीन पे कलर चल रहा है वही यहाँ से कलर दिखाई दे रहा है। सो अभी बैठते हैं कुछ देर, आई गेस अभी एंट्री नहीं होगी, आरती स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर के बाद हम चलेंगे अंदर, और अंदर जाने के बाद करते हैं आई गेस 8:30 बजे तक जो है हमारी एंट्री होगी, और अभी बज रहे हैं 6:39, तो अभी एक 1.5 घंटा है हमारे पास बैठ के जाने के लिए, तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं,
आराम करते हैं। भैरव मंदिर की जो सीढ़ियाँ थी हम आए भाई सीढ़ियाँ चढ़ के, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थके हैं, लाते तो ऐसे जैसे घूम रही हैं आपस में, तो थोड़ा देर रुकते हैं इधर भाई लोग के साथ बात करते हैं और फिर चलते हैं। जय माता दी। जय माता। सो अभी काफ़ी देर से यहाँ पे आग जलाने का प्रयत्न हो रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। हो नहीं पा। हमारे भाई ने भाई बोतल या हमारे भाई यहाँ पे आग लगा रहे थे, आग लगाने की जगह इन्होंने पानी डाल दिया। क्या करना, कोयला आएगा भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया, कोयला आ गया भाई। ये किसने डाला? फाइनली कोयला आ गया। अभी यहाँ पे जो है वो भैरव मंदिर के दर्शन करने आया, फ़ोन है लो नहीं है तो मैं छुप के वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अभी नंगे पैर हैं हम, पानी चल रहा है और ठंड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गंदी ठंड लग रही है, ठीक है, हद से ज़्यादा ठंड लग रही है। काफ़ी देर से लाइन में लगे हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, दर्शन करके आपसे मिलता हूँ। सो गाइस अभी जो है वो हमारे अच्छे दर्शन हो गए इधर भी, ठीक है, इधर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट में दर्शन हो गए और बस ठंड का आया, बर्फ़ बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी तो मतलब पैरों में पूरा बर्फ़ से ठंडे पैर नंगे पैर चलना पड़ रहा है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन ठीक है, यहाँ भी दर्शन हो गए। देखा जाए तो हमारी यात्रा यहाँ पर पूरी ख़त्म होती है, हम पहले वैष्णो माता आए, वहाँ से वैष्णो माता से हम आए भैरव मंदिर, तो बोला जाता है कि वैष्णो माता के हमें आओ और मनोकामना तभी पूरी होती है जब आप भैरव मंदिर आओ, तो भैरव मंदिर आके हमने अपना आखिरी जो था वो यहाँ पे आशीर्वाद ले लिया भगवान जी से। तो अभी हम जा रहे हैं वापस लेकिन उससे पहले हम अर्धकुंवारी में रुकेंगे, वहाँ पे एक गुफा है और वहाँ एक मंदिर है तो उसमें भी जाएंगे, वहाँ पे भी माथा टेकेंगे और फिर वहाँ पे शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो अभी टाइम हो रहा है आपका 8:30 बज रहे हैं, 8:30-9 बजे के आसपास, ठीक है, तो अभी यहाँ से निकल जाएंगे और अर्धकुंवारी में पहुँच जाएंगे हम रात को 1:30 बजे तक, क्योंकि हम जाएंगे यहाँ से बिल्कुल मज़े से क्योंकि हमारी ट्रेन है कल 10 बजे तक, तो यहाँ से निकलेंगे मज़े अभी निकल जाएंगे, बस हाथ पैर ज़रा थोड़ा सा गर्म करके यहाँ से निकल जाएंगे, फिर जाएंगे अर्धकुंवारी में वहाँ पर दर्शन वगैरह करेंगे और फिर निकल जाएंगे सुबह 6-7 बजे तक जो है वो हम आपका वैष्णो देवी स्टेशन पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाके फिर हमारी 10:30-10 बजे ट्रेन है तो यहीं से ट्रेन चलेगी तो टाइमली निकल जाएगी तो 2:30 बजे तक हम फिर घर पहुँच जाएंगे। तो अभी चलते हैं गाइस वापस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो निकलते हैं अभी और आगे का सफ़र तय करते हैं। अब तो अभी तक तो हम भैरव आ गए थे, भैरव भी माथा टेक लिया है और ये यहाँ का टॉप मतलब वो है जहाँ पे माथा टेकना था, अब हम जाएंगे अर्धकुंवारी जाएंगे और वहाँ पे अगर बंदा मिला अपना वहाँ पे है अपना, हाँ भैरव भगवान दिखाते हैं आप नहीं भैरव, हाँ भाई, हाँ मतलब एक भाई है हमारा वो दर्शन करा देगा हमें अर्धकुंवारी में, तो चलो चलते हैं, लेट क्यों होना, फिर अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं, 8:30 हो गए हैं और फिर चलते हैं नीचे, ठीक है जी, जय माता दी। कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से चल के जाएंगे और ऐसा नहीं कि एक ही बार जाएंगे, 1, 2, 3 फिर ऊपर को जाएंगे, फिर ऊपर जाके बस सर्कल करना है, मतलब अंदर भैरव भगवान है और साथ में बजरंग बलियाँ माथा टेकेंगे और वहाँ से आउटिंग होगी और बस यहाँ पे आप शूज़ रख सकते हो अगर आ रहे हो आप, बर्फ़ का पानी है, हाँ बर्फ़ का पानी है प्रॉपर पूरा, पैर तो बिल्कुल ही ठंडे हो जा रहे हैं। सो फाइनली गाइस हमें कुछ व्यू देखने को मिल गया है, अभी धुंध जा चुके हैं यहाँ से और कुछ जो कटरा की सिटी जो है वो भी कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, काफ़ी सुंदर है। ये आ गया आपका अर्धकुंवारी का मंदिर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक्चुअली क्या है जाली लगी है तो जाली से थोड़ा मेरे को अंदर घुसा के बनना पड़ा है, फोकस और क्लैरिटी में थोड़ा गिरावट आ रही है और एक ये घोड़े, ठीक है, रात को भी ऐसे ही चल रहे हैं सेम, रात को भी काफ़ी लोग जो है वो यात्रा कर रहे हैं हमारी तरह, बाकी अपने बंदे तो रेडी हैं, ये भी बेचारे परेशान हो रहे हैं वीडियो के चक्कर में, तो चलो थोड़ा सा रहा है अब ज़्यादा दूर नहीं है, जाके दर्शन करेंगे अगर पॉसिबल हुआ, बाकी फ़ोन तो अलाउड नहीं होता है वहाँ, ठीक है, तो अंदर ले फ़ोन लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बाहर का दिखा दूंगा कैसे कैसे सिस्टम है उधर। बाय 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 बाय, जय माता दी, जय।
तो गाइज अभी हमने गर्व जून के दर्शन भी कर लिए हैं। सो भाई हम उसके बाद गए, जब गुफा के अंदर गए, यहाँ से एंट्री होगी काफ़ी, एक डेढ़ घंटा वेट किया हमने बाहर, तो खाना खा लिया था जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। फिर हम गए गुफा के अंदर। भाई गुफा के अंदर जाते पहले ये तीन लोग चले गए, मेरे को तो लग रहा डर, मैं तो वापस मुड़ने वाला था। ठीक है भाई, पीछे क्यों हो रहे हो? पीछे देखो पीछे। तो फिर मैं वापस मुड़ने वाला था, लेकिन मैं मुड़ा नहीं वहाँ से। मतलब एक टाइम के लिए मेरे ऐसे दिल में धक 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 हो रहा, हार्ट बीट मेरी फास्ट हो गई थी, इतना मतलब मैं डर लग रहा था। मतलब यार बड़ी ज्यादा टाइट गुफा थी। एक्चुअली बात ऐसी थी ना कि मतलब अंदर जाके ख्याल ही ऐसे आ रहे थे कि मतलब अगर एकदम लाइट बंद हो जाए गुफा की तो फिर क्या किया जाएगा। और उस चक्कर में मैंने इनको ऐसे इनके दिमाग में वो बात डाल दी, तो उसके बाद ये बंदे डर गए हुए थे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है। और अभी फाइनली हम जा रहे हैं वापस कटरा के लिए। अभी लास्ट डेस्टिनेशन हमारी जो है वो कटरा ही है। हम निकल गए हैं कटरा के लिए, लग जाएंगे 3 से 4 घंटे हमें यहाँ से, तो सुबह 5-6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं पूरे, ठीक है, तो 5-6 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। सो फाइनली सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम आ चुके हैं बिल्कुल नीचे। अभी जो हमारे थे वैष्णो देवी के कार्ड, अब इन कार्ड्स को हेल्पलाइन नंबर ले लो भाई जान, हेल्पलाइन नंबर साहब बाय बाय करने जा रहे हैं। अब इन कार्ड्स को करेंगे बाय और चलेंगे अपनी ट्रेन की तरफ। सो बहुत ही मज़ा आया इधर ट्रिप पे, चलते हैं वापस। जाने का किसी का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, घर का भटका हुआ वापस घर ही जाते हैं। अभी पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन में, ये पूरा जो है यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन जो है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये सेम जो है ऊपर से मंदिर से। भाई भाई आप ब्लॉगर हो? हाँ भाई। भाई चैनल का नाम बता दो भाई यार। नीतीश हिमाचली ब्लॉग। नीतीश हिमाचली ब्लॉग। हाँ भाई ठीक है भाई। भाई ओके भाई, तो पहुँच चुके हैं अभी हम रेलवे स्टेशन, वेट करेंगे थोड़ी देर और फिर जाएंगे घर भाई। सो फाइनली अभी हमें ट्रेन मिल चुकी है और निकल गए हम वैष्णो माता से। फाइनली पूरा फंक्शन चल रहा है और मजे से पहुंचेंगे जलंधर। अभी थोड़ी देर में 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे जलंधर। और अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे जलंधर और फिर आज शाम को जाएंगे। ब्लॉग पार्ट जो ये वैष्णो माता के ब्लॉग के जो पार्ट 3 आएगा उसमें सब कुछ आएगा, हमारे अभी का ट्रैवलिंग और आज पूरा दिन जो जो करेंगे। ठीक है। सो फाइनली गाइस जो है अभी चल रही है बैक जर्नी वापस घर के लिए। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रखी है कि राहुल गांधी जी जो हैं जी की रिस्पेक्ट तो वैसे सच में जा रही है भाई। आई डोंट लाइक हिम पोपटलाल, क्योंकि अभी आप खुद देख लो यार, नॉर्मल पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है। मैं तो बिल्कुल टोटली परेशान हूं। अभी रेलवे की लाइन जो है वो आगे से जाम हो रखी है इसी वजह से। ठीक है, जाम कौन दिखाने अभी हम घर से बस थोड़ा ही दूर है, 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन अभी यहाँ पे रुक गए हैं यार, ट्रेन रुक गई है तो काफी बुरा लग रहा है। पता नहीं अभी घर जाके थोड़ा नहा धो के खाना पी के रेस्ट करने का क्या करें यार, अब नहीं कर सकते कुछ। सो फाइनली पहुँच गए जलंधर वापस और अभी करते हैं टैक्सी वगैरह और चलते हैं वापस रूम पे। सो बात कुछ ऐसे है, जलंधर कैंट तो पहुँच गए थे, तो हमारे गाइड जो हैं ठीक है, पिज़्ज़ा इन्होंने बुक किया था पठानकोट के लिए, लेकिन मिल कहाँ रहा है, जलंधर में। ठीक है, लोकेशन गलत डाली थी, लेकिन गलती जो थी वो गाइड की थी, पर फिर भी अभी आपको जलंधर में मिल ही गए हमें पिज़्ज़ा। अब तय इधर फिर चलते हैं वापस। बोलो कहाँ तुम चले गए। तो अभी हमने कर लिया है कुली आगे तक ऑटो लेने तक, चलते हैं अभी जल्दी से लेते हैं और ऑटो।